दोस्तों नमस्ते। फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग पे फिर से एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये 30 नवंबर का फाइनल रीडिंग है। इसमें ज़्यादा कुंडली जो जो कुंडली है उसकी रीडिंग मैं करूँ। इसमें ज़्यादा कुंडलियाँ नहीं सिलेक्ट कर पाया, उसका रीज़न ये है जी कि आप लोगों ने रिपीटेडली मुझे क्वेश्चन पूछे हैं जी कि हमारी कुंडली सिलेक्ट हुई कि नहीं हुई। उस कारणवश आपकी जो टाइम पीरियड है वो आगे बढ़ गया है। दिसंबर के महीने में आप लोगों ने व्हाट्सएप ड्रॉप किया, उस कारणवश जिन्होंने दिसंबर में मैसेज ड्रॉप किया उसके साथ आपकी कुंडली भी मिक्स हो गई है। आपकी लोगों की डिटेल्स उसमें मिक्स हो गए हैं मैसेजेस में। उस कारणवश अब मैं आपकी रीडिंग मैं ढूंढ ढूंढ के नहीं कर पाया हूँ, तो आई एम सॉरी उसके लिए। बट मैं सॉरी नहीं हूँ। आप सोचिए कि आप बार बार मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे तो ऐसा हो सकता है। तो ये और कई लोगों ने भेजा, एक दो की बात नहीं है, कईयों ने भेजा, इस कारण में उनका मिसमैच हो गया। अब आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा जी कि अगर आप अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं तो फ्री रीडिंग में करवाना चाहते हैं तो रिपीट लिख के भेज दीजिएगा और स्क्रीनशॉट नया भेज दीजिएगा। अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट होती है तो 15 दिसंबर के बाद आपकी रीडिंग होगी। साइमल्टेनियसली बोलूंगा, अगर आप पहली बार कुंडली अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग मेरा प्रोसेस है। इसमें मैं 15 दिनों में एक राउंड करता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ कुंडलियों की फ्री रीडिंग करता हूँ, सिलेक्टेड कुंडलियों की फ्री रीडिंग करता हूँ। उसके लिए अगर आप भी अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है उसमें सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ व्हाट्सएप इंटरटेन करता हूँ। अगर कॉल करेंगे तो वो इंटरटेन सही तरीके से नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये बोलूंगा जी पर्सनल रीडिंग आप करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास आप लोग वीडियोज नहीं बनवाना चाहते और साइमल्टेनियसली अगर आपको जल्दी अपने अपनी रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें आपको चार्ज पे करना पड़ता है लेकिन आपकी रीडिंग हो जाती है। साथ में ये भी बोलूंगा जो कि फ्री रीडिंग सिलेक्टेड लोगों की हो रही है तो सिलेक्टेड ही होगा। अगर आपकी कुंडली सिलेक्ट नहीं हो पा रही है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए अप्लाई ऑप्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आप लोग जो चाहे वो आपकी आपके अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। कई दिनों से मैं सिर्फ फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के रिगार्डिंग ही वीडियो बना रहा हूँ, तो अब मैं ये वीडियो बनाने के बाद कोशिश करूँगा कि कुछ और रिलेटेड टॉपिक्स को रिलेटेड एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो बनाऊँ और आप लोगों उसमें भी उसके थ्रू भी मदद करने की कोशिश करूँ। बहरहाल जो यहाँ पर रीडिंग हुई है, जो 30 नवंबर तक की रीडिंग जो मेरे पास आई है, उसमें जिन जिन की रीडिंग होनी है उनमें से जिनकी कुंडली आज मैंने सेलेक्ट करी है वो उनकी रीडिंग कर लेते हैं। जो पहली की रीडिंग है उसके रिगार्डिंग जो पहली रीडिंग जो मैं करने वाला हूँ वो बृंदा जी की है। बृंदा जी आपका जो लास्ट का मोबाइल नंबर है 4690 है, आपकी रीडिंग मैं कर रहा हूँ। आपकी रीडिंग में आपका बर्थ प्लेस जो है बैंगलोर है, तो आपकी आपने जो करियर में सवाल पूछा है वो पूछा है जी कि मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। तो आपके सवाल का जवाब जो मैं दे सकता हूँ उसके रिगार्डिंग मैं बात कर लेता हूँ। आपने जो सवाल पूछा है कि जॉब करूँ या बिजनेस करूँ और कौन से फील्ड में करना चाहिए, देखिए आपका जो वर्किंग लॉर्ड आपका जो लगन है वो कुंभ लगन है। कुंभ लगन में ग्रोथ थोड़ी स्लो प्रोसेस पे होती है, इतनी जल्दी नहीं हो पाती है। तो एक तो ये प्रोसेस है, ऊपर से आपके जो लगन में का जो लगन का मालिक शनि वो खुद ही लगन में बैठे हुए हैं, जो कि एक तरीके से अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि शनि अगर लगन पर ही बैठे हुए कुंभ लगन पर, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन यहाँ पर डिले करते हैं तो पैसा आपके पास कहीं ना कहीं से आ जाएगा, क्योंकि 11th हाउस पे ही शनि बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। लगन अपने लिए बहुत बेनिफिशियल देगा। 12th हाउस से बाहर से कहीं से पैसा ज़रूर आएगा आपके पास। बाहर का अगर आप बिजनेस करेंगे, बाहर से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो आपके पास अच्छा बिजनेस आएगा। और मैं देख रहा हूँ कि 10वें 12वें घर में भी आपके कई सारे प्लैनेट बैठे हैं, मंगल शुक्र और बुध, तीनों प्लैनेट आपके यहाँ पे बैठे। तो भाग्यश हो गया छोटा भाग, मतलब एजुकेशन लॉर्ड, लक लॉर्ड, फादर रिलेटेड लॉर्ड एंड फिक्स एसेट रिलेटेड लॉर्ड इज सिटिंग एट योर 12th हाउस। सो इफ दिस हैपन्स देन इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। फ्रॉम आउटसाइड यू विल गेट अ बेनिफिट, फ्रॉम योर बर्थ, फार फ्रॉम योर बर्थ प्लेस यू विल गेट अ गुड बेनिफिट। फॉरन रिलेटेड रिलेटेड बिजनेस आर ऑल्सो मीन्स ऑल्सो आर also there, okay, so foreign related business is also there, मतलब you can do anything related to like any business related to far from your birthplace, if you do that it's a good thing, आपके लिए अच्छा रहेगा। simultaneously एक और चीज़ है जबकि शनि अगर आपका लग्नेश है और शनि अगर आपके लगन में बैठा है तो इस कारणवश अगर शनि आपके लगन में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको डेप्थ, अगर आप डेप्थ से रिलेटेड कुछ काम करते हैं लाइक लैंड और ऑयल और एनीथिंग रिलेटेड टू दैट ऑल्सो, लिक्विड रिलेटेड बिजनेस इज ऑल्सो गुड। प्रॉबेबली इन योर फील्ड यू कैन डू अ लिक्विड रिलेटेड बिजनेस बिकॉज मून इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सिटिंग एग्जल्टेड इन योर 4th हाउस एंड एक्सपेक्टिंग योर 10th हाउस। दिस मेक्स इट एक्सेलेंट फॉर लाइक लिक्विड रिलेटेड बिजनेस और लिक्विड रिलेटेड करियर। सो इफ यू हैव अ इफ यू आर वर्किंग इन अ लिक्विड रिलेटेड बिजनेस और अ करियर, इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। बट overall if I look into the chart then I will analyze this, that this is a chart where you can be overall interested in medical field
अगर आपकी फील्ड मेडिकल है तो आपका अच्छा ये रहेगा, बिकॉज मेडिसिन से रिलेटेड अगर आपको, बिकॉज मून इज सिटिंग एट फोर्थ हाउस, जुपिटर इज सिटिंग एट योर इलेवेंथ हाउस, इनकम लॉर्ड इज सिटिंग इन इट्स इन ओन हाउस एंड सन इज सिटिंग साइमल्टेनियसली विद योर इनकम लॉर्ड मीन इन इलेवेंथ हाउस, एंड सन इज द ओनर ऑफ योर सेवेंथ हाउस पार्टनर हाउस. सो आफ्टर मैरिज ऑल्सो देर इज अ चांस ऑफ गेटिंग बेनिफिट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट्स, एंड लक विल बी वेरी प्रॉम्प्टिंग एंड वेरी गुड इफ यू गेट मैरिड. बट द प्रॉब्लम रिमेन्स इज दैट योर महादशा इज रनिंग ऑन एज राहु महादशा एंड इट्स गोइंग ऑन टिल 2032. थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा, थोड़ा सा मेंटल पीस में दिक्कत रहेगी, स्ट्रगल रहेगा थोड़ा सा, लेकिन लगना लॉर्ड का मित्र है राहु. लेकिन राहु जो बैठा हुआ है 8,000 में बैठा हुआ है, राहु 8,000 में अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा नहीं है खराब रिजल्ट देता है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होता है राहु का 8,000 में, स्ट्रगल बढ़ा देता है थोड़ा सा और इंसान को कंफ्यूज कर देता है. तो आप अगर यहाँ पे देखा जाए तो अगर आप मेडिसिन रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, देखिए आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू बी अ सर्जन और समथिंग, बट यू कैन बी अ सर्जन, बट देर इज अ चांसेस दैट यू कैन रिलेट योर सेल्फ टू नर्सिंग ऑल्सो, फार्मेसी ऑल्सो. मेडिसिन से अगर आप काम कर रही हैं तो आपके लिए अच्छा, या इफ यू आर वर्किंग इन अ क्रिएटिव फील्ड ऑल्सो दैट्स इट्स अ गुड गुड थिंग. नाउ यू आर कंफ्यूज अबाउट दैट वेदर यू वॉन्ट टू बी इन अ जॉब और इन अ बिजनेस. फ्रेंकली स्पीकिंग आई प्रिफर इफ यू गो फॉर अ जॉब और अ कंसल्टेंसी वर्क, लाइक जॉब कम बिजनेस. इफ यू डू दैट ऑल्सो दैन इट वुड बी अ गुड थिंग फॉर यू, बिकॉज लिसन बिजनेस लॉर्ड इज सिटिंग एट योर इलेवेंथ हाउस. तो अगर आपका बिजनेस का लॉर्ड अगर इलेवेंथ हाउस में बैठा है तो आपके लिए इनकम बिजनेस से ज़्यादा दिखाता है. हालांकि जो महादशा जो चल रही है राहु की, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, और कंफ्यूजन क्रिएट करने की वजह से आप हो सकता है अभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हो, लेकिन अगर आप राहु के उपाय कर लेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा. आप मेडिसिन रिलेटेड बिजनेस में आप जा सकते हैं, अगर आपकी एजुकेशन आपकी मेडिसिन से है तो आप फार्मेसी नर्सिंग वगैरह में अच्छा प्रोफाइल बना सकती हैं. वर्क करते करते आप अपना एसेट बना लेंगी, वर्क कम बिजनेस करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा. बिजनेस अगर आप ऑयल से भी रिलेटेड करती हैं या लॉ रिलेटेड अगर आपका कोई बिजनेस है वो भी आप कर सकती हैं, तो इन सब चीज़ों में आपका अच्छा बेनिफिट रहेगा. और फादर रिलेटेड अगर बिजनेस करते हैं, फादर से कोई भी बिजनेस होता है जो कि फादर से कंसर्न हो, तो वो भी आप कर सकती हैं, फादर के साथ कोई बिजनेस कर सकते हैं. क्रिएटिव फील्ड भी अच्छा है, लेकिन ये सब सारी चीज़ें या तो आप अपने बर्थ प्लेस से दूर भी करें तो अच्छा रहेगा. अगर आप जॉब करने के प्रेफर में जा रही हैं तो अपने बर्थ प्लेस से दूर सोच ढूंढेगा, आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे. लेकिन मेरे हिसाब से आप बिजनेस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकम उससे अच्छे रहेगी. और आप एक तरीके से देखा जाए तो टीचिंग के में भी आप जा सकते हैं, कि जुपिटर और सन दोनों 11th हाउस से 5th हाउस को देख रहे हैं, तो टीचिंग बिजनेस में भी आप अच्छा बेनिफिट कर सकते हैं. बस ये राहु की महादशाओं का कुछ उपाय कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा फल मिलेगा. डॉग फीड वगैरह करिएगा और राहु के रिलेटेड कोई भी जो भी चीज़ें हैं, काली चीज़ों का आप डोनेशन करेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा. लेकिन ये थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड है एट द एज ऑफ 36, आफ्टर द एज ऑफ 36, 35 to 36 आपको अच्छी ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि लगन में शनि बैठा है. देर इज़ नो डिनायल इन दैट ऑल ऑल्स ओके, देर इज़ नो डिनायल ऑफ दैट. एंड 12th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं बर्थ प्लेस से दूर ये कहीं ना कहीं फेंकेगा, और मून भी आपको वर्क प्लेस से भी आप बाहर ही जाएंगे, तो बर्थ प्लेस से दूर आपको ज़्यादा सक्सेस है, ये आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा. अब जो दूसरी कुंडली है वो शिवम की है. शिवम अभी करीबन करीबन 19-20 साल के, इनकी मदर ने मुझे कुंडली रिक्वेस्ट करी है मेरे हिसाब से, तो इनकी रिगार्डिंग इनकी मदर या फादर ने भेजा है मैं कन्फर्म नहीं कर सकता. तो इन्होंने शिवम के बिहाव से उन्होंने पूछा जी कि इसके करियर से रिलेटेड या फील्ड रिलेटेड कैसा रहेगा. शिवम की भी महादशा राहु की चल रही है, राहु योर शिवम राहु दशा इज ऑल्सो गोइंग ऑन एंड इट महादशा इज ऑफ राहु एंड इट इज़ कंटिन्यूइंग टिल 2029. सो बाई 2029 द राहु महादशा इज देयर, राहु सिटिंग एट योर 8th हाउस. राहु आपके 8वें घर में बैठा हुआ है और बुध के साथ बैठा हुआ है राहु, और ये आपका लगन लॉर्ड है. बुध आपका लगन लॉर्ड है बिकॉज वर्गो इज योर असेंडेंट, तो बुध आपका लगन लॉर्ड है और लगन में आपके मून बैठा हुआ है जो कि एंटी है बुध के. कॉम्प्लिकेशन ही कॉम्प्लिकेशन इस कुंडली में, कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म करूँ कुछ समझ नहीं आता. बेहतर पार्ट तो यही बोलूँगा जी कि भाग्यश आपके भाग्य लॉर्ड में बैठा है, तो किस्मत का धनी है ये आदमी, बस यही पॉइंट कह सकता हूँ. ये कहीं भी कुछ भी करेगा निकल के बाहर आ जाएगा. बदनामी होगी, फीमेल रिलेटेड चीज़ों से भी हो सकती हैं, लेकिन बाहर आ जाएगा, मतलब निकल के बाहर आ जाएगा, लेकिन परेशानी तो है ही है इस कुंडली में. तो शांति के आदमी नहीं है ये, शांति की पर्सनैलिटी नहीं है कहीं भी. राहु की तो महादशा चल रही है 2029 तक, टिल 2029 देर इज राहु महादशा, देर इज़ नो पीस.
साइमल्टेनियसली 8th हाउस राहु विद लग्न, लग्न इज वेरी, लुक आई विल फोकस ऑन द सक्सेस, ओनली द सक्सेस पीरियड एंड द फील्ड करियर दैट यू हैव आस्क्ड मी. करियर रिलेटेड टू सैटर्न, सैटर्न इज सिटिंग योर 10th हाउस. 10th हाउस इज ओन्ड बाय अगेन मर्करी एंड सैटर्न इज सिटिंग देयर. सो कैलकुलेटिव कम ऑयल रिलेटेड बिजनेस, डेप रिलेटेड बिजनेस और लॉ रिलेटेड बिजनेस और एनीथिंग रिलेटेड टू सैटर्न, लाइक यू कैन अप्लाई फॉर लाइक एनीथिंग लाइक गवर्नमेंट जॉब और एनीथिंग इफ यू वॉन्ट टू लाइक फाइंड इफ यू वॉन्ट अ गवर्नमेंट जॉब देन यू कैन अप्लाई, सैटर्न विल हेल्प यू इन दैट पीरियड बिकॉज एजुकेशन इज एजुकेशन लॉर्ड इज सैटर्न. आपका एजुकेशन का लॉट और डेप्थ का लॉट, सिक्स हाउस का लॉट सैटर्न है. कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड वगैरह के से भी सिक्स हाउस को देखा जाता है, उसका लॉट सैटर्न. 10th हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको लगन लॉन में बैठा है तो कहीं ना कहीं अगर आप इन बिजनेस में अगर इस फील्ड में जाएं तो वो भी आपको सक्सेस मिलेगा. बट ओवरऑल अगर सक्सेस देखा जाए तो यहाँ पे मेडिकल फील्ड से अच्छा सक्सेस मिलेगा, सर्विस सेक्टर से अच्छा फील्ड अच्छा बेनिफिट मिल सकता है. लेकिन कैसे करेंगे क्योंकि राहु के बाद गुरु की महादशा आ रही है, बर्थ प्लेस से दूर अगर ये चले जाते हैं तो थोड़ा बेहतर रहेगा. लेकिन गुरु इस कुंडली के लिए कारक नहीं है, गुरु इज़ नॉट गुड फॉर दिस कुंडली. कन्वीनियंस के लॉर्ड हैं, मैरिज के लॉर्ड हैं और बिजनेस के लॉर्ड हैं. सो इफ़ दिस पर्सन कंटिन्यू हिज बिजनेस और हिज वर्क फ्रॉम फार फ्रॉम योर बर्थ प्लेस तो ये अच्छा इनके लिए अच्छा रहेगा. गुरु की महादशा राहु के बाद लगेगी, उसके बाद शनि की महादशा लगेगी. शनि विल टीच हिम इंटायरली अबाउट हिज एक्ट्स. इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं यही बोलूँगा जो कि मैं यहाँ एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ जो कि वो क्या एक्शन लेने वाले. एक्चुअल में इसलिए बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें एक्शन से रिलेटेड बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सम हाउ इज हिंडरिंग हिज एजुकेशन और इसकी एबिलिटी. इसकी एबिलिटीज़ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करिए. आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ों का उपाय करना पड़ेगा. सूर्य सिटिंग एट योर 7th हाउस विल क्रिएट एजुकेशन, प्रॉबेबली इट विल हेल्प यू इन नर्सिंग, मेडिकल और फार्मेसी रिलेटेड बिजनेस. बट सम हाउ सूर्य ऑल्सो क्रिएटिंग सम हाउ सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे सूर्य 12वें घर का मालिक होके 7वें घर में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस और कहीं ना कहीं पार्टनर मतलब रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत दे रहा है. इस कुंडली में प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हैं. दो पॉजिटिव साइन सिर्फ यही हैं जो कि शुक्र और मंगल दोनों नवम भाव में बैठे हैं. तो शुक्र देखा जाए तो फिक्स एसेट का मालिक होके और नाभाग्य का मालिक होके नवम भाव में बैठा है तो इसका भाग्य ही इसे निकालेगा जहाँ से भी ये फंसेगा. लेकिन ये फंसेगा हर जगह पे तो आपको इसके उपाय करने पड़ेंगे. करियर आप मेडिकल नीड फील्ड में आप सर्च कर सकती हैं और सक्सेसफुल होंगे. कब सक्सेसफुल होंगे वो अब वो डिस्कशन इन पे डिपेंड करता है ये कब अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं. साइमल्टेनियसली ये अगर आप लॉ फील्ड में भी भेजती हैं या प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में भी आप इनको भेजती हैं तो बर्थ प्लेस से दूर अगर ये प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस करते हैं तो इनके लिए अच्छा रहे. राहु की महादशा वैसे यहाँ पे खास कारक नहीं होगी. राहु मंगल के घर में बैठे हुए हैं तो राहु की महादशा में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये, लेकिन मंगल भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं तो भाग्य का स्थान जरूर मिलेगा. कहीं ना कहीं अच्छा बेनिफिट मिलेगा भाग्य का क्योंकि मंगल अष्टमेश होके और तितेश होके बैठे तो ये आदमी मेहनत कर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम कर सकता है. तो एनीथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब और कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे या टीचिंग में चले जाएँ तो भी ये अच्छा रहेगा. कम्पिटिटिव एग्जाम्स या कोई भी ऐसी चीज़ों में जाएंगे तो अच्छा रहेगा. तो इन सब चीज़ों में इनका फील्ड है. मून लगन में बैठे हुए हैं तो लिक्विड रिलेटेड बिजनेस भी ये कर सकते हैं. लेकिन हाँ एक और चीज़ है, मदर सन को बेनिफिट मिलेगा, अच्छा बेनिफिट मिलेगा तो मून रिलेटेड काम भी ये कर सकते हैं, लिक्विड रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं ये. तो ये सब चीज़ें हैं इनकी कुंडली में. थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको उपाय करना पड़ेगा तभी आपको इसका ओवरऑल रिजल्ट अच्छा मिलेगा. अदरवाइज ये कुंडली में डिफ़िकल्टीज हैं, अच्छा भी है और डिफ़िकल्टीज भी है. मतलब अच्छा भी बहुत ज़्यादा है, बुरा भी बहुत ज़्यादा है. तो मतलब बुरा नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है. पर्सनैलिटी खुद ही कॉम्प्लिकेटेड है तो कहीं ना कहीं इमोशनल से रिलेटेड को सेटलमेंट, मेंटल पीस अगर मिल जाए तो काम आगे बन सकता है. तो देर इज़ नो मेंटल पीस और समथिंग लाइक दैट सेटिस्फेक्शन. सो आई होप आपको मैंने अच्छे से जवाब दे दिया है आपकी कुंडली इनके रिगार्डिंग, शिवम के रिगार्डिंग. हालांकि यहाँ पे शिवम को करियर फील्ड के रिलेटेड अभी सक्सेस मिलना थोड़ा डिले होगा क्योंकि 8th हाउस में राहु अच्छा तो कारक है लेकिन मंगल के घर में है. तो 2029 तक आपको थोड़ा सा सेटलमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद वो शायद अच्छा बेनिफिट मिले बर्थ प्लेस के बाहर. तो मेडिकल रिलेटेड देख लीजिएगा
मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेडिसिन में या नर्सिंग में ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी भी फील्ड जो मैंने बोली उसमें आप ये ट्राई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कहीं ना कहीं और भी फील्ड्स हैं, लेकिन अभी एजुकेशन मुझे नहीं पता है कहाँ क्या एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन में ही अभी राहु की महादशा चल रही है। इन द एंड एजुकेशन जब ले लेंगे फिर पता चलेगा जी कि ये कहाँ जाके सेटल हो सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। और यही था आज के लिए। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा जी कि दूसरी भी वीडियोज़ बनाऊँ कुछ और टॉपिक्स के लेके, फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के रिलेटेड तो वीडियो बनता रहेगा। नमस्ते।